हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज हम आपको अमृतसर का तोहफा दिखाने लाए हैं, जिसे बोलते हैं जी खजूर। और मनोहर स्वीट्स की दुकान है, बहुत ही फेमस अमृतसर में। और ये लोकेशन पड़ती है जी गुरु बाजार और चस्ती अटारी चौक है, जो बिल्कुल सामने भैया की दुकान है। और इनका बनाने का जो मतलब प्रोसेस है खजूर का, बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही बढ़िया है। और ये भट्टी के ऊपर बनाते हैं और बिल्कुल मीडियम आंच पर ये अपनी खजूर तैयार करते हैं। सो गाइस, काफ़ी फेमस है अमृतसर में। तो बाकी करेंगे भैया से बात, उनसे ही पूछेंगे सारा कुछ। तो चलिए गाइस, करते हैं बात। फिर उससे पहले लोकेशन चेक कीजिए। ये जो रास्ता आ रहा है, ये अपने मेन गोल्ड टेम्पल से आ रहा है गुरु बाजार की तरफ, और साथ में पटेल चौक है, साथ में ही चस्ती अटारी जो है चौक है। तो बिल्कुल चौक के पास में ही भैया की जो है शॉप है। तो चलिए गाइस, करते हैं जी उनसे बात। तो गाइस, हमारे साथ है दुकान के अंदर। तो नमस्ते भैया। नमस्ते सर। तो भैया अपना शुभ नाम बताइए। विजय कुमार। तो विजय जी, बहुत फेमस है आपकी खजूर सारे पंजाब में, मेरे ख्याल में सारे वर्ल्ड में ही है। सारे वर्ल्ड में। और बनाने का तरीका जो है आपका बहुत ही डिफरेंट है। तो भैया कैसे शुरुआत की और किन्हों ने की, थोड़ा बताइए हमें। सर, इस शॉप को कम से कम 70 साल से ऊपर ही हो गए हुए हैं। अच्छा, 70 साल से ऊपर हो गए ये काम करते हुए आपको। जी सर। ठीक है सर, तो बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है, कुछ उसके बारे में बताइए। बनाने का सर तरीका देखिए, जैसे शुरू से चल रही आ रही है ना भट्टी में ही। अच्छा, कोले की आंच में। अच्छा जी। वैसे बनती आ रही है। अच्छा, कोले की आंच। सबसे एक आपका ना बेस्ट पार्ट ये है, कोले की भट्टी के ऊपर ये खजूर बनाते हैं ना जी सर। तो भैया उससे क्या होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है टेस्ट में। हाँ जी सर, होता है। मतलब थोड़ा सा कुरकुरापन आएगा, थोड़ा खस्ता आएगा। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रेश सारा वनस्पति घी यूज करते हो आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भैया, मैंने सुना है बुकिंग करानी पड़ती है आपको। बुकिंग सर, बुकिंग। जिसने एक किलो भी लेने को कम से कम 20-25 आधा घंटा कम से कम लगेगा। आधा घंटा पहले आपको बोलना पड़ेगा। मतलब एक घंटा भी हो सकता है, या रश होगा। तो सर क्या लोकेशन पड़ती है अपनी? अपनी गुरु बाजार चस्ती अटारी चौक। अच्छा, गुरु बाजार चस्ती अटारी चौक गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने, गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल सामने है। और अगर गोल्ड टेम्पल से आना हो तो 2-3 मिनट में पहुँच जाएगा। 3 मिनट में पहुँच जाएगा। तो भैया टाइमिंग क्या रखी हुई है? सुबह 8 से रात के 9 बजे तक। ठीक है। और संडे को आते हो? हाँ हाँ, संडे को भी आते हो। और अपना ये कौन कौन से, मतलब कब तक लगाते हैं आप? 3 महीने, नवंबर दिसंबर और जनवरी। उसके बाद नहीं, अब दुकान बंद होती है आपकी ना। तो भैया बताएं, खजूर तैयार कैसे करते हो? खजूर तैयार सर, जैसे आप दूसरी खजूर खाते हो बाजार वाली। हाँ जी हाँ जी। वो रखेंगे बिल्कुल पेड़ा। अच्छा जी। बीच में सच्चे होते हैं ना, कोली टाइप। हाँ जी, सच्चे में रखते हैं, पेड़ा डाल देते हैं। हाँ हाँ, वो चेंज करते हैं। हमारी खजूर होती है बिल्कुल ओपन। अच्छा, ये ओपन है बिल्कुल ओपन। बिल्कुल आपने इसको मतलब उसको उसमें रख देना है और उसको मतलब धीरे धीरे पकाते रहना है। अभी आपको चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए, ये आप बना रहे हो। हाँ जी सर। तो बताइए कैसे आप तैयार करते हो थोड़ा सा? सर देखिए, कोई सच्चा नहीं है इसमें। हाँ, सच्चा नहीं है बिल्कुल। आपने उसको बिल्कुल आपने डाला हुआ है ना। और सर, ये खजूर बनती किस चीज़ की है? सर मैदे की बनती है, इसमें थोड़ा घी का मोन बनता है। अच्छा, मोन बनाना पड़ता है, मतलब उससे खस्तापन आएगा। और इसमें क्या क्या डाला होता है आपने? चीनी वगैरह? चीनी होती है। इसके अलावा? इसके अलावा सर। अच्छा, इसमें कुछ नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और हमने सुना है आपकी जो खजूर है बाहर भी जाती है, अब्रॉड भी जाती है, बाहर से भी कस्टमर आपको मतलब। मैं सुबह से 8 बजे लेकर कम से आज मैंने कोरियर भेजे थे 50। अच्छा जी। आज मैंने सिर्फ 20 कोरियर भेजे, रश बहुत ज्यादा। अच्छा, 20 कोरियर आपने आज निकाले हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, काफ़ी फेमस है जी अमृतसर में अपनी ये खजूर के लिए। तो भैया बाकी फिर 3 महीने तो आप ये काम करते हो, इसके अलावा फिर क्या क्या काम करते हो? सर मेरा सारा काम है बाहर का ऑर्डर का। अच्छा जी, अच्छा जी। बाहर का करते हो मतलब? ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी मेहनत करते हो आप। तो जो बनी हुई है वो भी दिखाई दे रही है ना आपको? अच्छा, ये चूरा मतलब लग रहा है अभी। हाँ हाँ। अच्छा, जब ये बन के निकलेगी तो पीसीस निकलेंगे? ये देखिए सर, बन के तैयार है ना। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये। अच्छा, ये मतलब बन के तैयार है अभी? ये थोड़ा ठंडा कर रहे हो उसको मतलब? अच्छा जी, फिर अलग अलग पीस का बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी फेमस है जी। तो भैया टाइमिंग क्या रखी सुबह से? मतलब 8 बजे स्टार्ट हो जाता है खजूर मिलना? बहुत ही बढ़िया। और ऑर्डर वगैरह भी आपको मतलब पैकिंग वगैरह सब करते हो मतलब? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस काफ़ी फेमस है। तो भैया थोड़ा सा पेड़े दिखाएं, पेड़े कैसे आपने तैयार किए हैं? अच्छा, ये पेड़े तैयार किए हुए हैं। अच्छा जी। अच्छा, शेप ही देने का कोई अलग ही मतलब, वो आपने सच्चा या बनाया हुआ है? क्या बात है, मतलब ट्रिक क्या है जिसको ट्रिक बोल सकते हैं हम? बहुत ही बढ़िया। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा ऊपर डिजाइनिंग सी पड़ गई इसमें, बहुत ही बढ़िया। तो इसको भी ये जैसे भैया पका रहे हैं ये बनाएंगे मतलब।
तो ठीक है भैया, हाँ जब बनती है तो हमें टेस्ट करवाइए, फिर हम अपने दोस्तों को बताते हैं जी। ये हो गया तैयार जी एक सच्चा, तो अब इसको अभी खोलेंगे आप, तो खोल के दिखाएं हमारे दोस्तों को। अच्छा जी, ये मतलब ऐसे इसको रख दिया और भैया ने परात लगाई हुई है ना, तो देखने में तो वाकई में चूरा लग रहा है, बट इसके पीसेस निकल जाएंगे। ठीक है जी, तो गाइस हमारे साथ है अरुण जी। नमस्ते भैया। नमस्ते सर। तो भैया बताइए, बाकी तो विजय भैया ने बता दिया, तो अब ये रेडी है मतलब खाने के लिए, तो देखने में कैसे आप बता रहे थे? सर ये देखो, ये आपको लग रहा है ये अपना बिल्कुल चूरा है? हाँ जी, ये चूरा लग रहा है, ये बिल्कुल पीसेस निकलेंगे सर। ये देखो आप। अच्छा, ये देखो क्या बात है, ये देखो सर पीसेस वाकई में देखने में चूरा लग रहा है। जब बन के तैयार हो गई है तो ये पीसेस बन गए अपने। हाँ जी, हाँ जी सर, मतलब काफी ये मतलब ट्रिकी है, मैं भैया को बता रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बनाने का पूरा ट्रिक है, मतलब आम बंदा नहीं बना सकता इसको। नहीं नहीं सर, काफी ने ट्राई की पर किसी से नहीं बना, मतलब ये ऐसा आप नहीं बनेगा जैसे। तो ठीक है भैया, हमारे लिए लगा दें फिर डूना वगैरह, फिर हम खा के बताते हैं जी। तो गाइस ये है जी मनोहर स्वीट्स वालों की फेमस खजूर, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, बड़ी अच्छी सी महक आ रही है इसमें से, बाकी जैसे मैदे को भुना होता ना वैसी महक आ रही है, और बहुत ही बढ़िया है। और भैया ने जैसे बताया कि जब हम बनाते हैं तो आपको देखने में लगेगा भी चूरा चूरा है, मतलब अलग अलग है, बट जिन्होंने बना के जब रेडी की तो बिल्कुल अलग अलग पार्ट जो है इसके हो गए हैं। जैसे ये हमने लिया है खाने के लिए और बिल्कुल खस्ता लग रहा है, और देखने में तो बहुत ही कुरकुरी जो है खजूर बनी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा भी इनकी जो अब्रॉड में भी ये खजूर जा चुकी है, कस्टमर जुड़े हुए हैं, स्पेशली कोरियर करवाते हैं, ये फ़ोन पर ही आता है और फ़ोन पर ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है। और अगर आपने लेनी हो तो एक घंटा पहले आए, इनको ऑर्डर दें, फिर ये आपका तैयार करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो मध्यम आंच होती है ना कोले की, उसके ऊपर ये बनाते हैं धीरे 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 धीरे, तो कम से कम जो खजूर बनने को आधा घंटा से ऊपर भी हो जाता है, तो इतनी वेटिंग हो जाती है। तो चलिए गाइस करते हैं ये टेस्ट। ये देखिए बिल्कुल खस्ता है, अपने आप ही टूटती जा रही है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों जिसे बोलते ना जन्नत, वो चीज़ है, बिल्कुल अंदर से क्रिस्पी है, इतनी खस्ता है, मीठा बिल्कुल नॉर्मल मीठा है, वो ज़्यादा मीठा नहीं है। जैसे बाज़ार में और खजूर वगैरह मिलती है, वो अंदर से ना कई बार आप खाओगे तो कच्चापन आ जाएगा, इसमें कच्चापन नहीं है, बिल्कुल ये अंदर से पकी हुई है। मेरे ख्याल में जैसे ये धीरे धीरे पकाते ना, उस वही पकाने का राज है, जो अंदर तक ये पक जाती है। सो गाइस काफ़ी फेमस है मनोहर स्वीट्स गुरु बाज़ार में अमृतसर में, तो कभी भी आप अमृतसर में आएँ जो नवंबर दिसंबर और जनवरी में, तो इनकी खजूर पैक करा के जरूर लेके जाएं और खाएं भी। सो गाइस अपने छोटे भाई को ऐसे अपना प्यार देते रहिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।